वेलकम टू एस्टेडिनिक्स। एस्टेडिनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का मॉक टेस्ट। यानी मैथ का मॉक टेस्ट ये जो हो रहा है वो आने वाले सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। यानी जिस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको इसी तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिएगा, यदि x पे 13 की घात प्लस 1 बाई x पे 13 की घात बराबर आपका 2 दिया हो, ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है x पे 7 की घात प्लस 1 बाई x पे 7 की घात बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर x पे पावर जो होगा वो अगर ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो, यहाँ भी जो हो वो भी आपका ऑड नंबर हो विषम संख्या हो, ठीक है, और उसके बाद इसकी वैल्यू अगर 2 दिया रहे और इसकी वैल्यू पूछे, और यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा अगर ये ऑड नंबर हो और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो पावर है वो भी आपका क्या हो ऑड नंबर हो, तो ऐसे केस में जो यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा वही वैल्यू इसकी हो जाएगी, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या होगी 2 ही हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ही होगी। ध्यान बस यही देना है कि यहाँ पे ऑड नंबर रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया है और जो पूछे आपसे, यानी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी आपका 2 होगा, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर रहना चाहिए, समझ गए आप लोग। तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिए आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोग सॉल्व करें। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, किसी 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। यानी आपका 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है, उसमें दो जीवाएं 8-8 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच की दूरी क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, सबसे पहले एक सर्कल बनाइए यानी वृत्त बनाइए, यहाँ पे आप लोग इसको सेंटर कर दीजिएगा, से एक पॉइंट से सेंटर को छूती हुई रेखा और दूसरे पॉइंट पे मिल जाए, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं व्यास कहते हैं, ठीक है, और जीवा क्या होगी, मान लेते हैं यहाँ से पॉइंट से यानी जो केंद्र से होकर ना जाए वही आपकी क्या होती है जीवा होती है, इसको हम लिखते हैं जीवा, क्या बोलते हैं जीवा बोलते हैं। इसकी दूरी आपको, इसकी लंबाई दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, अगर यहाँ पे एक है 8 सेंटीमीटर तो यहाँ पे होगी क्योंकि इसके बगल में नहीं हो सकती, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर की एक जीवा बनाएंगे, ठीक है। अब पूछ क्वेश्चन में यही रहा है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी यही बताइए, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे सेंटर से इसके एक पॉइंट पे मिलाएंगे जीवा के और इसके एक पॉइंट पे, ये जहाँ पे पॉइंट मिलेगी जीवा को क्या करेगी आधा करेगी, यानी अगर ये टोटल जीवा 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 होगी और ये भी आपकी 4 होगी, ये 4 होगी और ये भी आपकी क्या होगी 4 होगी। अब देखिएगा अगर ये टोटल व्यास है तो व्यास का क्या होता है आधा त्रिज्या होती है, यानी अगर हम व्यास को आधा कर देंगे तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी, व्यास कितना है ये आपका 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का आधा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2×5=10 यानी 5 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है, तो ये 5 होगी तो ये भी आपकी 5 होगी। और उसके बाद देखिएगा इसको यहाँ से एक पॉइंट इस पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे और इस पॉइंट से सेंटर को मिलाएंगे, ये भी आपकी क्या होगी त्रिज्या होगी, तो ये अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। अब देखिएगा इसको हम ट्रिपल रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम से भी, इसको 90 डिग्री मानिएगा तो इसके सामने कर्ण हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, समझ गए आप लोग। तो अगर हम ट्रिपल रेशियो से सॉल्व करेंगे तो क्या होता है 3, 4 और उसके बाद 5, यही होता है ना, आपको 4 भी पता है और 5 भी, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या 4 भी इसकी वैल्यू है और सॉरी 5 इसकी वैल्यू है, इस रेखा की वैल्यू 5 है और इस रेखा की वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, इस रेखा की वैल्यू 5 है, इस रेखा की वैल्यू 4 है, तो इस रेखा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिएगा इनकी बीच की दूरी पूछा है दोनों जीवाओं की, अगर ये 3 है और 3 यहाँ पे है तो 3+3 को काउंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है,
तो यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, बीच की दूरी, बीच की दूरी। समझ गए आप लोग? तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के पास। ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री भी बहुत अच्छा है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करिएगा और वीडियो पे कमेंट जरूर करा करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री को पढ़ते हैं। 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में जिसमें पर्याप्त पानी भरा हुआ है, यानी जो आपका 24 सेंटीमीटर का बेलन है उसमें पूरा पर्याप्त पानी भरा हुआ है। उसके बाद पूछ रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस गोलाकार गेंद पूरी तरह डुबा दिया जाता है, यानी उस बेलन में क्या होता है, 6 सेंटीमीटर ठोस गोलाकार गेंद को डुबा दिया जाता है, तदनुसार पानी के स्तर में यानी पानी के ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी यही बताइए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बेलन बनाएंगे, व्यास आपका क्या दिया है, यानी इन दोनों यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। अगर ये व्यास है तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, त्रिज्या कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 24 का आधा करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपका जो बेलन है वो पूरा पानी से भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। अब इसमें ये जो आपका गोलाकार गेंद है ये कितना त्रिज्या है इसकी, 6 सेंटीमीटर, इसको इसमें डाला जाता है। तो यही पूछ रहा है कि ये जो पानी बढ़ेगा वो कितनी इसकी ऊंचाई होगी यही आप लोग बताइए, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा हम क्या करेंगे, बेलन और ये जो गोलाकार गेंद है इसके अगर आयतन को हम इक्वल कर दें तो हमें पता चल जाएगा इसकी हाइट कितनी बढ़ी है, ठीक है। तो सिंपली क्या करिएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, गोलाकार गेंद का आयतन गोलाकार है तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई और उसके बाद आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा पाई से पाई कट जाएगा, अब यहाँ पे आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 × 12 हो जाएगा और मल्टीप्लाई एच होगा, बराबर 4/3 मल्टीप्लाई आर क्यूब यानी 6 का क्यूब करेंगे तो 6 × 6 × 6 हो जाएगा। समझ गया आप लोग? अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो देखिएगा 6 × 12 6 × 12 2 × 2 = 4 होगा तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, यानी आपकी एच बराबर आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका यही हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर तक बढ़ेगा। समझ गए आप लोग ये क्वेश्चन नंबर थ्री? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, 100% ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीन भी शॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। देखिए आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर फोर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव कहाँ लिख रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है आइए सीखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा ए बी 24 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा ए डी 16 सेंटीमीटर है, भुजाओं ए बी और डी सी की 10 सेंटीमीटर है, तदनुसार ए डी और बी सी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी यही बताइए, ठीक है। तो अब देखिए पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, मान लेते हैं ये आपका समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी लिखिएगा, यहाँ पे डी, ठीक है। एक भुजा तो पहली भुजा मान लीजिएगा ये 24 सेंटीमीटर दिया है और दूसरी भुजा ये मान लीजिएगा ये आपको दिया है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद इन दोनों रेखाओं के बीच यानी ए बी और डी सी के बीच की दूरी आपको कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 10 को बाहर निकालेंगे तो यानी इसको इस रेखा को भी बढ़ाना पड़ेगा और इसको यहाँ पे लाके मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, समझ गए। अब देखिएगा इसको भी ऐसे यहाँ पे मिला दीजिएगा, तो अब देखिएगा सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको यहाँ से मिलाए हैं और इसको यहाँ से,
तो ये देखिएगा एक आयत दिख रहा है ना। तो अगर हम आयत और ये जो समांतर चतुर्भुज है इन दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये जो दूरी आपको पूछ रहा है यानी x की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसी इससे हमें पता चल जाएगा। कैसे देखिएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, आधार कितना है 24 मल्टीप्लाई ऊंचाई क्या है 10, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बराबर। अब यहाँ पे ये देखिए आयताकार है ना ये, तो आयत का क्षेत्रफल ब्रेथ आपका दिया है 16 यानी चौड़ाई आपको 16 दिया है, लेंथ आपका यक्स है, तो यहाँ पे यक्स लिखिएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा 4 से काटिएगा 4 चौका 16, 4 छक 24, 2 से करिएगा तो 2 दुनिया 4, 2 पाँचे 10, 2 से 2 तीन 6, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तीन 15, किसकी वैल्यू आ जाएगी, यक्स की वैल्यू, यानी AD और BC के बीच की दूरी आपकी कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आंसर यही होगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको हैंडल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पता नहीं क्यों ये इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि हर एग्जाम में पूछ लेता है, पता नहीं एग्जामिनर को क्या मिलता है इस क्वेश्चन को पूछ लेता है, इतना इजी क्वेश्चन। यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपया है तो वह धनराशि क्या होगी, ये बताइए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, CI और SI का डिफरेंस आपको दिया है 20 रुपये, समझ गए आप लोग, टाइम 2 ईयर्स, रेट 4%, प्रिंसिपल धनराशि मूलधन आपसे पूछ रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा सिंपली आप लोग एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या कि अगर आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है तो यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है यानी 20 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर कर देंगे, किसका करेंगे 100 का स्क्वायर, बटे में 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 100 और 2 जीरो फिर बढ़ जाएगा, फिर 4 गुणे में 4, 4 पंचे 20, अब इसको अगर यहाँ पे इतना 100 मानेंगे तो 25 चौका 100, 2505 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 पंचे 125, 2 जीरो पीछे है तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो यही आपका हो जाएगा प्रिंसिपल मूलधन और धनराशि इस क्वेश्चन का आंसर, समझ गए आप लोग। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था लेकिन पता नहीं एग्जामिनर को क्या रखा रहता है, यह हर एग्जाम में पूछ लेता है, आपके ग्रुप बी में पूछा है, SSC में भी पूछा है, ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कल हम रीजनिंग का लेक्चर लेकर आने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसको आप लोग को देखना ही देखना है, ठीक है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो कल करवाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। तो ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, कल हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।